तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, किस तरह का माहौल देखा जा सकता है? कांग्रेस की महारैली का आगाज हो चुका है। हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे। अरे भाई, देखिए, महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ये महारैली कर रही है और इस रैली में शामिल होने के लिए देश भर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली की सड़कों की स्थिति मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह से जाम की स्थिति है, चूंकि देश भर से जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं रैली में शामिल होने के लिए, लेकिन जाम की वजह से अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पैदल ही यहाँ से अब रामलीला मैदान के लिए रवाना हो रहे हैं लगातार, चूंकि आज राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे और महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जाएगी, चूंकि एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई गई, पहले पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े, कोरोना काल में भी लगातार वृद्धि हुई और उसके बाद उस दाम घटाए गए, लेकिन इसकी वजह से हर वस्तु की कीमतों में इजाफा हुआ है। राजस्थान की से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ पहुंची हुई है, चूंकि राजस्थान राजधानी के नजदीक भी है, दिल्ली की राजधानी के नजदीक भी है और ऐसे में राजस्थान में सरकार भी कांग्रेस पार्टी की है। बहुत सारे कार्यकर्ता जो पैदल रवाना हो रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से, नीम का थाना विधानसभा, राजस्थान से। किस तरह से देखते हैं एक रैली का क्या मैसेज रहेगा? मैं रैली का मैसेज, इतनी जन सैलाब उमड़ा हुआ है कि दिल्ली में हर रास्ते में भीड़ भीड़ है, लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। जो केंद्र में बैठी घूंगी बैरी सरकार, जो कि आम जन इतना त्राहिमान त्राहिमान है, जिसकी मैं हेलो हाँ ये हो रहा है कि राजस्थान से हम नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो रैली की जा रही है, तो महंगाई के खिलाफ आम जन मजदूर किसान नौजवान इतना त्राहिमान है, जिसकी मैं आपको नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहेंगे रैली को लेकर? रैली को लेकर एक राजस्थान के गहलोत सरकार सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए हैं। महंगाई के खिलाफ पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी आवाज उठाने को जा रही है गहलोत सरकार। दिल्ली की सड़कों पर भी राजस्थान के लोग हैं, वो पैदल यहाँ से जा रहे हैं, चूंकि जाम की स्थिति है। कहाँ से आए हैं? नौलगढ़ झुंझुनू राजस्थान से आए हैं। देश की आजादी के बाद में ये एक निकम्मी सरकार हिंदुस्तान को मिली, जिसने पूरे देश को बांटा, डिवाइड समाज के रूप में, धर्म के नाम पर, और अब आम आदमी के थाली से इन्होंने आटा चुरा लिया और उसके विरोध करने के लिए आज हम रामलीला मैदान में यहाँ पे आए हैं राजस्थान से, कि ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है, ये सरकार हिंदुस्तान का जो नाम था, जो जीडीपी थी, सब कुछ गलत में गया। कहाँ से आए? राजस्थान से। कौन से जिले से? झुंझुनू। क्या कहेंगे रैली मध्य प्रदेश से? भैया, किसान आंदोलन में आए भैया, बहुत बीजेपी बहुत लूट रही है, नौकरियां नहीं निकाल रही है, बेरोजगार हो गए हम लोग, इसलिए आए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ से? जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। मैं आज पूरे देश में महंगाई की मार है, आज पूरे देश की स्थिति को आप देख सकते हैं। ये जन सैलाब जो आज पूरा दिल्ली जो है आज पूरा सड़क पे दिख रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ बैठी है। इस तत्कालीन सरकार को हटाने के लिए हमारे पूरे कांग्रेस जन, पूरे देश के आज कांग्रेस जन पूरा दिल्ली को आज दिखा के रख दिए और पूरे देश की कांग्रेस जन आज दिल्ली आए हुए हैं। तो देखिए, रैली में जिस तरह से वाहनों की लाइनें, लंबी लंबी कतारें दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही हैं, पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से कुछ जो रास्ते हैं मुख्य, उनको डाइवर्ट भी किया गया है और जिसकी वजह से ये फ्लाईओवर पर चढ़ने का जो डाइवर्ट किया गया है, वाहनों की जो नीचे से भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली की सड़कों पर जाम की स्थिति देखी जा रही है और उसके चलते जो देश भर से गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं वो जाम में फंसी हुई है और इसकी वजह से जो नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं वो पैदल ही यहाँ से अब रवाना हो गए हैं। रैली से करीब 2 किलोमीटर दूर का यहाँ पर डिस्टेंस है, जिसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अब लगातार रवाना हो रहे हैं। कहाँ से आए आप? हैदराबाद से आए। किस तरह से देखते हैं महंगाई को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है और जनता को जोड़ पाएगी इस मुद्दे में? भाई, जनता को तो ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे राहुल जी ने ये जो प्रोग्राम लगाया है कि पब्लिक में अवेयरनेस आना बहुत जरूरी हो गई। आजकल जो महंगाई चल रही है, आज तक 20 साल से कभी नहीं हुआ है और ये महंगाई में पब्लिक को जो है बहुत लॉस हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो है वीकर सेक्शन और जितने गरीब लोग हैं वो लोग बहुत तड़प रहे हैं। अब ये तड़प चीज़ के बारे में कांग्रेस पार्टी आगे लेके लोगों को इसको इन्फॉर्म करेंगे और लोगों को जो है एक नॉलेज लेके आएंगे।
जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।